जिनका समापन के अवसर पर अपार भीड़ उभर रही है, उस बारे में आपका क्या संदेश है? सबसे पहले तो सभी हिंदू सनातन धर्म प्रेमियों को मानदाता प्रकटस दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। 1 जनवरी से 4 जनवरी तक जो मानदाता बालाजी मेला का जो भव्य आयोजन चल रहा है, 1 तारीख को तो पुष्परोपण पौधारोपण का कार्यक्रम था, 2 तारीख को रक्तदान शिविर भी बहुत शानदार रहा, युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। 3 तारीख को सुंदरकांड का भव्य आयोजन किया गया था। आज 4th दिन है मानदाता बालाजी प्रकट महोत्सव, जहां मानदाता बालाजी के दिव्य दर्शन करने के लिए अपार जनसमूह आप देख रहे हो उमड़ रहा है। यहां शायद नंबर लग रहा है, लाइन लगी हुई है, आधे घंटे में लोगों का नंबर आ रहे हैं। मैं युवाओं से अपील करता हूँ कि आज अभी 5 बजे तक दर्शन है, अधिक से अधिक संख्या में दिव्य दरबार बालाजी के दर्शन के लाभ लें और बालाजी महाराज के भव्य मंदिर निर्माण के लिए एकजुट होकर कार्य करें। कुछ देखने को मिल रहा था कि अलग अलग जो चल रहे थे, सभी संगठन से मैं आह्वान करता हूं कि एक साथ मिलकर मानदाता बालाजी की भव्य छतरी और मंदिर निर्माण, सीढ़ियों निर्माण और यहां पे जो सुविधा है बिजली की, रोड की, इसके लिए मिलकर कार्य करें और बालाजी की सेवा में लगे। बोल बालाजी महाराज की। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कोयवाल, प्रदेश अध्यक्ष मानव सेवा समिति बूंदी। सभी हिंदू संगठनों का बहुत बहुत सहयोग है मानदाता बालाजी मेले में।
लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, संगठन भले से 100 हो या 50 हो, लेकिन सभी हिंदू भाइयों को बालाजी के निर्माण क्षति निर्माण एवं सिद्धियों वगैरह का सभी को एक साथ मिलकर सहयोग करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ताकि एक ही मंच पे आके सभी बालाजी महाराज की जो भी कमी हो रही है क्षति निर्माण की सिद्धियों की वो पूरी हो सके और हिंदू एकता में बढ़ोतरी हो सके। जय श्री राम, जय मानदाता बालाजी महाराज। जय श्री राम।